और Q&A में जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन था वो था कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या थी जब हम कनाडा के लिए अप्लाई किया था, जब हम कनाडा आए थे। अभी लॉग आउट किया ऑफिस से, बट शक्लें देख लो हमारी। हाँ, शक्लें ऐसी उतरी होती हैं इतनी भसड़ वाले कॉल है मीटिंग्स ले लेके। बट 3-4 दिन से मेरे थोड़ा बैक में भी प्रॉब्लम हो रहा था और लॉकडाउन भी चल रहा था, हम कोई भी सर्विसेज नहीं ले रहे थे लाइक मसाज, फिजियोथेरेपी, कायरो। सो हमारी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो चुकी है, अब बॉडी को नीड है कि हम मसाज करवाएं, कायरो करवाएं। और फॉर्चुनेटली डेंटल की भी आज ही अपॉइंटमेंट है, तो पूरे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर्चुनेटली नहीं है, प्लानिंग है ये मेरी। प्लानिंग दोनों की आज एक साथ है, डेंटल और मैं जा रहा हूँ कायरो करवाने। तो कायरो आपको नहीं पता तो ये है कायरो। तो ये थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स होगा इससे, देखते हैं थोड़ा जो लोअर बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आई जस्ट होप कि वो DVT से ना हुई हो, जो भी ब्लड क्लॉट्स हैं उनकी वजह से ना हुई हो। तो चल के पता करते हैं, क्या पता मेरे दिवाली के पटाखे बजाएगा आज। सो हो गया सेशन मेरा कायरोप्रैक्टर के साथ, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं बिकॉज इतने दिनों बाद आया हूँ, पता नहीं पहचान रहा कि नहीं पहचान रहा। अब नेक्स्ट टाइम मैं करा सकता हूँ बिकॉज वो पहचान गया है, उसके पास मेरी हिस्ट्री होती है। जितनी भी आप सर्विसेज लेते हो, आप मसाज करवाते हो, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, कायरोप्रैक्टर के पास जाते हो, उनके पास सारी डिटेल्स होती है और सब कुछ हेल्थ कार्ड से लिंक होता है। सो दैट इज गुड, हिस्ट्री होती है उनके पास। सो उसके पास जब मैं क्रिकेट खेल रहा था लास्ट ईयर, मेरे कुछ इंजरी हुई थी एल्बो में, टेनिस एल्बो टाइप, तो यहाँ पे पेन था, उसका मैंने ट्रीटमेंट कराया था। ही हैड द हिस्ट्री फॉर दैट एज वेल। सो उसने पूछा कि शोल्डर वगैरह ठीक है अब, तो मैंने अभी तो खेल ही नहीं रहा तो अभी कोई पेन वगैरह नहीं है। सो दैट इज गुड, बट नेक्स्ट टाइम मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि जब वो करते हैं ना ट्रीटमेंट, वो आपको पता ही है कायरोप्रैक्टर का क्या है, पट 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 मजा आता है, मतलब रिलैक्स मिलता है। उस टाइम ऐसा लगता है एकदम सांस ऊपर हो जाती है कि कुछ हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई, बट बाद में बहुत रिलैक्स होता है। अब जो मेरे स्टिफनेस थी बैक में, लोअर बैक में, वो थोड़ी सी कम हुई है। और उसने बोला कि ज्यादा देर सेम पोजीशन में नहीं आपने बैठना है बिकॉज उससे ही ये प्रॉब्लम सारी हो रही है। सो अब देखेंगे अपनी सिटिंग पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में, हाफ एन आवर में चेंज करेंगे। और नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो दोनों की हमारी, मनप्रीत को पहले पिक करते हैं और फिर डेंटल के चलते हैं। वहाँ पे रेगुलर हमारी क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट होती है, तो अब स्टार्ट कर दिए। पहले थोड़ा सा हम टेंशन ले रहे थे कि नहीं करवानी चाहिए कोविड के टाइम पे, बट अब धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है और ये सब कुछ रेगुलरली चेकअप करवाते रहना चाहिए। नहीं तो कायरो तो मैं हर महीने आता था और हमारी डेंटल भी अपॉइंटमेंट हर 3 में होती थी। लेट्स सी। अंधेरा क्यों करा हुआ है? पहली बार कनाडा में इतनी देर के लिए लाइट गई है। एक्चुअली बहुत तेज थंडरस्टॉर्म आ रहा है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, और नॉर्मली एक सेकंड में आया थी लाइट वापस और नहीं आ रही। आई एम जस्ट थिंकिंग कि रात को आ जाए, पता चले रात को भी ऐसे सोना पड़े हमें। एक और चीज़, हम हमेशा कहते हैं ना गैस स्टोव में अच्छा खाना बनता है, बेनिफिट देख लो। लाइट गई हुई है लेकिन मेरा गैस स्टोव चल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक होता तो नहीं चलता, मतलब ये बहुत रेयर सिचुएशन है, बहुत रेयर स्टोव तो रेयर सिचुएशन है, बट स्टिल मतलब मेरा काम हो पा रहा है। तो कोई नहीं, तब तक चाय पीते हैं गर्म करके, फिर खाना वाना की तैयारी करते हैं क्योंकि हमें इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। सो बहुत हेक्टिक डे आज। और आपका कैसा रहा अपॉइंटमेंट? बढ़िया रहा, पटाखे पटुखे बजा दिए, उसने पटाखे बजवाए। तुम्हारे बजाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तुम्हारे बजवाने। और मुझे नहीं अच्छा लगता कायरोप्रैक्टर, पता नहीं क्यों। आई प्रेफर मसाज, मुझे नहीं मजा नहीं आता मसाज मेरे से। पता है हरामी हो बेटा। नहीं 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 नहीं, मसाज की अपॉइंटमेंट्स अलग से बुक कराई हुई है हमने। अब जैसे आपको पता है कि ऑन्टेरियो में सब कुछ ओपन हो चुका है एंड दीज आर एनीवेज एसेंशियल सर्विस, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है तो मैं करवाती हूँ हमेशा। बैठ के बातें करते हैं, ऐसे लग रहा है कि टॉर्च लेके इंडिया की याद आ गई, ऐसे कैंडल लेके घूमते। अभी पार्क में खेलने जाएंगे बच्चे, लाइट चली गई। मजा आता था वो, उसके बाद जो बाहर बैठ के एक मीटअप होता था ना, आंटियों का सारे मिलते थे और कैसे हो, क्या हाल चाल है, तो और ये मिस करते हैं। ये जितनी भी हम करवाते हैं कायरोप्रैक्टर मसाज वगैरह, ये मेरी फ्री में होती है थैंक्स टू मनप्रीत, वो भी बताते हैं आपको। लड़ाई मत क्या करो, वो बताते हैं, कैंसिल करा दूंगी तुम्हारा नाम। तो फाइनली लाइट आ गई है, आई थिंक आधे घंटे के बाद आई है, बट इतने टाइम के लिए कनाडा में हमने कभी पावर आउटेज नहीं देखा। तो ये अगर विंटर में होगा ना कभी, तो जितने भी पाइप होते हैं जिनमें पानी जा रहा होता है वो सारा जम जाता है, इसलिए विंटर में कभी भी ज़्यादा देर तक पावर आउटेज नहीं होना चाहिए। अभी तो सही था, गैस वगैरह भी चल रहा था हमारा बिकॉज इलेक्ट्रिक नहीं है और मौसम भी थोड़ा ठीक है। बट हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले, जो ये पाइप जमना और ठंडा होना घर, क्योंकि जब हमने घर लिया था तो हमारा नेक्स्ट डे सुबह आई थिंक 7 o'clock के आसपास अप्लायंसेस की डिलीवरी थी, तो हम अपने अपार्टमेंट से रात को ही आ गए थे यहाँ पे। ऊपर कुछ नहीं था हमारे घर में उस टाइम पे, हम कारपेट पे सोए थे, तो तब हमारी फर्नेस वगैरह का हमें आइडिया नहीं था कुछ भी, कि ये भी ऑन करनी होती है, तो वो ऑफ थी और सर्दियों का टाइम था, फेब का टाइम था उस टाइम पे। एंड हम यहाँ पे आए और लिटरली ऑन करने पे भी गर्म ही नहीं हो रहा घर, हम लिटरली कांप रहे थे, इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी ना। क्योंकि अगर टेम्परेचर लेट्स से
अंदर का 10 डिग्री है या फिर 5 डिग्री है उसको 20 तक आने के लिए 6-7 घंटे लग गए थे। तो फर्नेस बंद नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं बिल्डर ने कर दी होगी किसी और ने कर दी होगी। तो उस कभी फर्नेस बंद नहीं करनी चाहिए, हमें भी बाद में पता चला था। बट थोड़ी सी टेम्परेचर कम करके आप जा सकते हो अगर बाहर वगैरह जाना है तो। और डेंटल के जाना था जो डेंटल क्लीनिंग के लिए, उसका भी कॉल आ गया कि हमारे पावर आउटेज है, पूरे टाउन में एक्चुअली में पावर आउटेज थी, तो वो अपॉइंटमेंट फिर पोस्टपोन ही हो गई, अब तो कभी और होगी। बट मैंने आपको बताया था कि ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, अब जैसे आपको पता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हूँ, मनप्रीत फुल टाइम जॉब में है, सो मेरे को कोई कवरेज नहीं है ऑफिस की तरफ से बिकॉज आई एम नॉट ऑन अ फुल टाइम जॉब। सो ये मेरे को बेनिफिट मनप्रीत से मिलता है फ्री में, मसाज, मतलब मनप्रीत नहीं करती मसाज मसाज, फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टर, मतलब जो भी सर्विसेज है, डेंटल, डेंटल डेंटल बहुत महंगा होता है कनाडा में। तो अगर वन ऑफ द पार्टनर इज वर्किंग फुल टाइम तो उसका बेनिफिट होता है कि आप वो फ्री में कवर करा सकते हो। इनफैक्ट ये जो स्पेक्स हैं ये भी कवर्ड थे, सो मनप्रीत ने अपनी हेल्थ पॉलिसी में मेरे को कवरेज दी हुई है, सो ये बेनिफिट हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी है, हेल्थ कवरेज नहीं है, सो आपके पार्टनर में आप हेल्थ पॉलिसी में कवर हो जाते हो। सो एक फुल टाइम जॉब होना बहुत जरूरी है। एंड कुछ केसेस में होता है कि अगर दोनों फुल टाइम है तो भी एक ऑप्शन होता है कि आप अपने जो स्पाउस है उनको आप अपनी कवरेज में इंक्लूड कर सकते हो। तो उनको मतलब अगर सपोज $500 आपको मसाज आपके वहाँ मil रहा है और आपके स्पाउस के वहाँ पे मे बी $800 है, तो आप 500 भी यूज कर सकते हो, उसके बाद इस 800 को भी यूज कर सकते हो। उनके लिए तो भाई दिवाली है, मतलब फर्स्ट ईयर ना हमने यूज ही नहीं करा था, हमें पता नहीं था, पता नहीं था, फर्स्ट ईयर पूरा वेस्ट हुआ, हमने इतना दुख मनाया। सेकंड ईयर हमने कुछ छोड़ा नहीं मसाज नहीं की जरूरत है ना हमें, अगर कैरो की जरूरत भी नहीं है, फिजियोथेरेपी की जरूरत भी है, फिर भी जबरदस्ती हम चले गए करंट लगवा रहे हैं वहाँ पे जाके कि पैसे वसूल करने। अबे भाई नहीं, ऐसे नहीं किया था, बट थोड़ा सा हुआ था, एक दो अपॉइंटमेंट जैसे हमारी बची थी, दिसंबर की बात है, तो दो अपॉइंटमेंट बची हुई थी मसाज की। मैंने बोला मुझे नहीं फील हो रहा कि मसाज अभी कराऊं, नहीं ये वेस्ट हो जाएंगी, करवाओ, जबरदस्ती मेरे को भेज दिया वहां पे मसाज करवाने। क्योंकि कवरेज पूरे साल की 31 दिसंबर को खत्म होती है, तो नॉर्मली आप देखोगे अगस्त के बाद जब सर्दियां शुरू होनी शुरू हो जाती हैं तब बहुत मुश्किल होता है अपॉइंटमेंट लेना। और बस इसका एक एडवांटेज यही है कि आपको बहुत पहले से प्लान करना पड़ता है। एंड नॉर्मली जैसे हम वर्किंग है तब तो हम ऑफिस भी जाते थे, तो हमें लिटरली प्लान करना पड़ता था कि ऑफिस से घर आएंगे उसके बाद का अपॉइंटमेंट मिले या वीकेंड का मिले, जो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। सो वो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है इसमें, अगर आपको प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि आपको अच्छी जगह पे करवाना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं मसाज थेरेपिस्ट, बहुत सारे होते हैं, अच्छी जगह पे मसाज करवानी है तो आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस बंदी से मैं करवाता था वो उसकी नेक्स्ट वन ईयर की बुकिंग है पहले से, मैं वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट है, सीनियर है, तो उससे मैं करवा नहीं सकता, एक साल की अपॉइंटमेंट है, पहले से एडवांस में करानी पड़ती है। अब बाहर जैसे आपको पता थंडर स्टॉर्म है, बारिश वगैरह रुक चुकी है, चाय इन्जॉय करते हैं और फिर डिनर बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि आज हमारे दो अपॉइंटमेंट्स थे बैक टू बैक, एंड वो तो बाय चांस लाइट चली गई थी तो हमारा वो दूसरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। तो ऐसे जब भी होता है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता कुक करने का, तो हम नॉर्मली हेलो फ्रेश से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि यू जस्ट गेट अ किट जिसमें आपको प्रॉपर स्टेप्स दिए होते हैं कि आप उसके हिसाब से जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन प्रिपेयर अ मील वेरी क्विकली। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि घर पे प्याज नहीं है या कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट नहीं है। सो वैसे ही हमने आज मंगाया है हेलो फ्रेश से बॉक्स, देखते हैं स्पेशल में क्या आया, बिकॉज मैंने वेजिटेरियन ऑप्शन ऑप्ट किया था, दी ऑर्डर रेसिपी दी होती है कैसे बनाना है, जो भी इंग्रेडिएंट उन्होंने भेजे हैं। सो दिस टाइम हमें साथ में कोकोनट वाटर भी मिला है विच इज़ गुड, एंड यहाँ पे उन्होंने 3 मील्स दिए हुए जो हम कुक कर सकते हैं एंड सब मैक्स 30 मिनट्स में बन जाते हैं विच इज़ द बेस्ट थिंग। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसे ही क्विकली मील्स प्रिपेयर करना, तो यू कैन यूज़ द ऑफर, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन यूज़ दैट कोड, सो दैट वेज यू विल गेट सम डिस्काउंट एंड You can enjoy quick meals. और Q&A में जो most asked question था वो था कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या थी जब हम कनाडा के लिए अप्लाई किया था, जब हम कनाडा आए थे। तो एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हम कनाडा कैसे आए थे, वो आप हमारे इमिग्रेशन चैनल पे जाके देख सकते हो, ये वाला चैनल व्लॉग्स के लिए है। सो उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई किया था, क्या हमारी क्वालिफिकेशन थी। बट इन शॉर्ट बता सकते हैं कि जितनी आपके पास ज़्यादा डिग्रीज होती है उतने आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं कनाडा आने के लिए। सो मेरे पास मास्टर डिग्री थी, मेरे पास MCA थी, BCA, MCA, मनप्रीत के पास MBA डिग्री थी। सो दोनों के पास हमारे पास मास्टर डिग्री थी, ये हमारा थोड़ा एडेड एडवांटेज था। सो मास्टर्स में आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस होता है, एटलीस्ट 3 इयर्स का होता है एक्सपीरियंस, अगर तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, उससे ज़्यादा भी होता है तो सेम ही पॉइंट्स मिलते हैं। बट अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होता है
तो अच्छी बात होती है। सो ये आपको चेक करना है कि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, अगर तब भी आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, आ सकते हो कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री पर, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप आ जाओ, बिकॉज जल्दी आना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री अगर है और उसके आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तब तो ठीक है, बट स्पेशली मास्टर डिग्री करना, 3 साल का वेट करना, बिकॉज उसमें आपके एज के पॉइंट्स भी खत्म होते जाते हैं। सो हमारा आई वुड से हम लकी थे कि मास्टर डिग्री ऑलरेडी थी हमारे पास पहले से ही, तो जब हमने अप्लाई करना शुरू करा हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए थे उसके, सो दैट वॉज अ गुड थिंग। एंड अगर आप मैरिड नहीं हो और अगर आप शादी करने का सोच रहे हो तो जल्दी कर लो क्योंकि उससे कम एज में आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपके स्पाउस के पॉइंट भी ऐड होंगे, जैसे इनको मिल गए मेरे पॉइंट मेरी वजह से हम दोनों यहाँ आ पाए इनको यह रोज याद दिला देते हैं मैं प्राइमरी एप्लीकेंट थी, तो मतलब जो स्पाउस और आपके और आपके स्पाउस के बीच में जिसकी एज कम होती है उसको प्राइमरी एप्लीकेंट बनाओगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि लेसर द एज मोर पॉइंट्स यू गेट। तो वही है, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो देखो कि लड़की की एज कम हो या लड़के की एज कम हो। अब इसमें ये चलाकी मत चलना कि मम्मी मेरे को उससे शादी करनी है जिसके पास मास्टर डिग्री हो, मेरे को पॉइंट्स ज्यादा चाहिए कनाडा के लिए, ऐसा मत करना। और बाल विवाह भी मत कर लेना कि भाई ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जल्दी कनाडा जाना है, 21 साल में शादी कर ली। जोक्स अपार्ट, आई थिंक हाँ सबको आजकल पता ही होता है कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं, बट हाँ मतलब अगर आप सोच रहे हो कनाडा मूव होने का तो लाइक सूनर देन लेटर अभी इट्स द राइट टाइम, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो बिकॉज ऑब्वियसली विद टाइम रूल्स चेंज होते हैं तो यू नेवर नो आगे क्या रूल आ जाए, तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो डोंट वेट, अप्लाई फॉर इट। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कनाडा, आप जहां भी मूव होना चाहते हो या अपनी कंट्री में रह के कुछ आगे करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर लाइक द लास्ट मिनट एंड मे बी अगले साल कर लेंगे या कुछ और, जैसे कोविड ने हमें सिखाई दी है चीज के जो भी है अभी कर लो, ऐसे वेट मत करते रहो कि हम बाद में करेंगे बाद में जाएंगे, सो दैट्स द क्रक्स। एंड इमिग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वीडियोस आपने देखने तो हमारे दूसरे चैनल पे दे सकते हो, वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, ये वाला चैनल थोड़ा कैजुअल फन के रिलेटेड है, थोड़े से फन क्वेश्चन पूछो जो टॉप कमेंट्स में होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर देंगे, थोड़े से कैजुअल फन विटी क्वेश्चन पूछो जो सबसे ज्यादा इस पर लाइन्स होंगे उस पर हम आंसर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम स्टिक अराउंड।